नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के बारे में चर्चा करें तो एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण देखोगे तो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको किया गया था और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग इसको देखेंगे और इसको शॉर्ट में हम लोग ऑफिस सूट के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस सूट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका कार्य देखोगे तो कार्य आएगा आपका जितने भी दफ्तर या कार्यालय है उसमें मैनुअल वर्क को करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है, ये आपको जानना है। साथ ही साथ इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन आपका आया था ऑफिस 2019 के नाम से। ठीक है, ऑफिस 2000 इसको पूछा गया है कई एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग 8 अलग अलग सॉफ्टवेयर के ग्रुप को देखेंगे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं। ठीक है, इसमें पहला देखें तो एमएस वर्ड देखोगे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल को देखेंगे तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो आपके मैथमेटिकल वर्क को करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट देखोगे तो ये एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखोगे तो हमेशा एजुकेशन या जितने भी सेमिनार या अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज करते हैं। एमएस एक्सेस के बारे में चर्चा करें तो एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है। एमएस आउटलुक देखोगे तो एमएस आउटलुक मेल और मैसेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में इसका यूज किया जाता है। एमएस वन नोट देखोगे तो एमएस वन नोट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसको यूज करते हैं। एमएस पब्लिशर के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर आता है और एमएस शेयर पॉइंट के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है और ये 8 अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल करके एमएस ऑफिस बनाते हैं, इसको देखना है। ठीक है, और आज हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करना है एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल देखोगे तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसी को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं एमएस एक्सेल देखोगे तो जैसा कि मैं बताया यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देखोगे तो टेबल के रूप में, टेबुलेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, टेबुलेशन के रूप में इसमें डाटा स्टोर करके किसी भी कार्य को करते हैं, याद रखिएगा। और ये देखोगे तो ये टेबुलेशन वर्क देखोगे तो दो फॉर्म में होंगे। अब देखिए, समझना है हमको कि टेबल कैसे बनेगा। टेबल बनाने हैं तो हमको एक आपके कॉलम लाइन यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके रो लाइंस यूज करना पड़ेगा। जब कॉलम और रो मिल जाएंगे आपस में तो ये एक टेबल के फॉर्म में यहां पर दिखेगा। इसी को हम लोग देखें तो ये आपका कॉलम लाइन हो गया और ये आपका टेबल लाइन हो गया। तो कॉलम लाइन और टेबल लाइन मिल करके एक सेल बनाता है, जो एक एक डब्बा दिख रहा है वो एक एक सेल कहलाता है, याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में टेबुलेशन होगा और ये टेबुलेशन आपका रो और कॉलम के रूप में होगा, याद रखिएगा, रो और कॉलम के रूप में। और रो और कॉलम आपस में मिल करके क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। और ये सेल देखोगे तो सेल का नामकरण कैसे किया जाएगा, तो जो ये आपका कॉलम है ये कॉलम को हम लोग अल्फाबेट में लिखेंगे ABCD, और आपका जितने भी रो हैं उसको हम लोग लिखेंगे नंबर्स में 1 2 3 करके। तो ये मान लीजिए इस सेल का मेरे को नामकरण करना है, तो इस सेल का नामकरण करना है तो इसका हो जाएगा A1। ठीक है, A1। तो इस तरीके से आपका ये एक एमएस एक्सेल में सेल बनता है। और बहुत सारे जब सेल आपस में मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका वर्कशीट, और बहुत सारे वर्कशीट आपस में मिले, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक वर्कबुक, याद रखिएगा। ठीक, तो ये एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बाद हम लोग देखें
तो एमएस एक्सेल के बाद इसके हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे, ठीक है, कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे। तो एमएस एक्सेल का ये फर्स्ट पेज ऐसा खुलेगा, इसको देखिएगा, सबसे ऊपर में एक पट्टी दिख रही है नीले कलर की, इसमें आपका एमएस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक वन, ठीक है, ये बीच में भी लिखा रहेगा, याद रखिएगा। साइड में सबसे आपका कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर में आप देखोगे तो तीन क्लिक करने के लिए तीन आपके बटन्स मिलेंगे, एक होता है मिनिमाइज के लिए जो ऐसा होगा, ठीक है, एक होगा आपका बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज के लिए, और एक आपका कट करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तीन यहां पर जो क्लोज करने के लिए जो बटन दिया जाएगा वो हमेशा रेड कलर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद देखोगे तो इस टाइटल बार के जस्ट नीचे में एक पट्टी मिलेगी, एक पट्टी मिलेगी, याद रखिएगा, और ये पट्टी कहलाती है रिबन। क्या? तो रिबन याद रखना है, ये पट्टी कहलाएगी रिबन, और रिबन के अंदर में होगा मेनू बार। मेनू बार में लिखा रहेगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, याद रखना है। इंसर्ट करना है, एडिट करना है, इससे संबंधित आपके अलग अलग ऑप्शंस यहां पर ओपन होंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक लाइन मिलेगी, उसमें आप देखोगे तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड टूल बार, ये वाला लाइन। इस स्टैंडर्ड टूल बार में देखोगे तो नए आपके फाइल ओपन करना, खोलना, ये सब यहां पर, पुरानी फाइल्स खोजना, ये सब यहां पर आएगा। इसी में आपके मैथमेटिकल चीजों को, आपका स्टाइल, फॉन्ट, कट करना है ये सबसे संबंधित, जूम करना है ये सबसे संबंधित आपके ऑप्शंस यहां पर रहेंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में देखोगे तो ये आपका यहां पर वर्कशीट को दिखाया जाएगा। ये वर्कशीट, और वर्कशीट किससे बना है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अलग अलग सेलों से मिलकर बना है, और सेल कौन सा है, जैसे कि ये देखिए यहां पर ये सब आपका क्या हो गया, कॉलम, ये कॉलम बन गया, और कॉलम के नीचे में आप देखोगे तो ये क्या है, रो लाइन है, और रो लाइन और कॉलम लाइन मिलकर के क्या बनाती है, सेल बनाती है, याद रखिएगा, रो और कॉलम मिला करके क्या बनाती है, सेल बनाती है। अब याद रखना है हमको, मान लीजिए ये पहला सेल बना, ये पहला सेल बना, तो इस सेल का नाम लिखना है हमें, तो ये यहां पर दिख रहा है ऊपर में कॉलम क्या है, ए है, और इस तरफ देखोगे तो नंबर्स है रो में 5, तो इस सेल का नाम हो जाएगा A5, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप क्लिक करोगे और कोई भी डेटा है उसको यहां पर आप इंटर करके एंट्री कर सकते हो या आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपको जानना है। इस तरीके से आप साइड में देखोगे तो ये साइड में ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी, ये दोनों स्क्रॉल बार पट्टी है, स्क्रॉल बार पट्टी है ये आपका, इसको दाएं बाएं और ये आपके ऊपर नीचे कराने के लिए स्क्रॉल बार रहता है, इसको आपको जानना है, ठीक। यहां पर जिस वर्कशीट पर आप काम कर रहे हो उस वर्कशीट का यहां पर नाम लिखा रहेगा, वर्कशीट 1, 2, 3 करके आपको लिखा रहेगा, और अलग अलग वर्कशीट मिल करके ही आपका क्या कहलाता है, पूरा आपका वर्कबुक कहलाता है। ये सब इसी के अंतर्गत हम लोग यहां पर, मैं लिख दिया हूं, मेनू बार कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, रिबन क्या कहलाता है, यहां से यहां तक की पट्टी रिबन, स्क्रॉल बार के बारे में बताया, वर्कशीट, वर्कबुक, सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस यहां पर, ठीक है, सेल रेंज कितना होना चाहिए और पेज सेटअप कितना होना चाहिए, ये सब के बारे में मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दिया हूं, ठीक है। आपको आगे देखते हैं फिर, ये आपको उसी को और थोड़ा अच्छे से देखने के लिए आप देखिए ये इमेज देखिए, ऊपर में सबसे बताया था टाइटल बार है, ये टाइटल बार के बाद यहां पर क्या रहती, पट्टी रहती है, ठीक है, यहां तक, ये यहां तक, इसके बाद ये आपका मेनू बार, टूल बार इसको जानना है, ये आपका सेल नेम है, सेल एड्रेस, ये सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम से मिलकर के, ये आपको जानना है, सेल सेल यहां पर वर्कशीट का नाम बता दिया गया है, ये सब आपका एक्सेल में यही काम करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये वर्कशीट, वर्कशीट आप देखोगे तो वर्कशीट बहुत सारे सेलों से मिलकर बना एक आपका ग्रुप है, ठीक है, और उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, वर्कशीट बोला जाता है। जैसे कि ये छोटे छोटे सेल नहीं दिख रहे हैं यहां पर, ये डब्बा,
अलग अलग डब्बा, ठीक है। तो ये सब डब्बा मिल करके क्या कहलाता है, एक पेज बनाता है, उसी को हम लोग वहीं पर काम करते हैं, इस कारण इसको वर्कशीट बोला जाता है, याद रखिए। और जब बहुत सारे वर्कशीट मिल जाए, ठीक है, ऐसे ये मान के चलिए कि पुस्तक है और पुस्तक का एक पेज है जहां पर आप लिखते हो, और बहुत सारे पेजेस ऐसे मिल जाए तो उसको हम लोग बुक कह देंगे। उसी तरीके से ऐसा इसको पेज ना कहकर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं सीट, और जब बहुत सारे वर्कशीट मिल जाए तो उसी को बोला जाता है वर्क बुक, याद रखिएगा। तो बहुत सारे आपके वर्कशीट मिल करके ये क्या कहलाता है, वर्क बुक कहलाता है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आपका एमएस एक्सेल का फंक्शन की, एमएस एक्सेल के फंक्शन की के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो एमएस एक्सेल में फंक्शन की 12 होते हैं, टोटल कितने होंगे, तो 12 होंगे, याद रखना है। एमएस एक्सेल में कितने, 12, और 12 फंक्शन की का अलग अलग नाम दिया गया है, क्या क्या, तो देखते हैं, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टेटिस्टिकल फंक्शन, डाटाबेस, इंजीनियरिंग, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेट एंड टाइम, क्यूब, कंपेटिबिलिटी, आपका इंफॉर्मेशन, और ये आपका वेब फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल 12 फंक्शन की होंगे, और 12 फंक्शन की मिला करके आपका फंक्शन की का एमएस एक्सेल में इसका अलग अलग यूज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो ऐसा आता है कि कितने फंक्शन की होते हैं इसको बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा फंक्शन की है या नहीं है, ये रहेगा, और आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 इसमें से ले लिया जाएगा और एक आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फंक्शन की के बारे में, एमएस एक्सेल में फार्मूला लिखना है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, तो एमएस एक्सेल में फार्मूला लिखने का तरीका बताना है। मेथड के रूप में हम लोग देखें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सेल का चयन करोगे, मान लीजिए ये सेल है, इसका चयन किए कि इसमें क्या करना है। अब मान लीजिए एक वर्कबुक है, उसमें 5 सेलों को जोड़ना है, उसका फार्मूला बनाना है। ये सेल है, ये 5 सेल है, 5 सेल में कोई भी डेटा है उसको जोड़ना है, उसी के फार्मूला को लिखना है। तो इसके लिए क्या बनेगा, एक सेल लोगे और सेल में शुरुआत करना है बराबर से, इक्वल टू से, और इक्वल टू के बाद आपको क्या लिखना है, इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, सम करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए सम लिखोगे, सम, ठीक है, सम लिखोगे। इसके बाद आप देखते हो, ठीक है, सम करना है, इसके बाद एक ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट के अंदर में मान लीजिए A1 से A5 तक, A1 से A5 तक के डेटा को जोड़ना है, तो इसमें आप लिखोगे A1 फिर A5, इस तरीके से इसका फार्मूला बनता है एमएस एक्सेल में, ठीक है। मान के चलिए इसमें आपका सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आपका ऐसे ही बनेगा। स्टार्ट कहां से किया जाता है, इक्वल टू से ही किया जाता है, इसको क्वेश्चन में पूछा गया है बार बार, ठीक है, कि कोई भी आप एमएस एक्सेल में फार्मूला लिखते हो तो स्टार्ट कहां से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इक्वल टू से होता है, इसको याद रखिएगा। ये मैं बताया एक ठो को करके एग्जाम्पल के तौर पर, शॉर्टकट की भी देख ले, तो देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, इसका मतलब ये है कि सभी आपके सभी कॉलम्स को एक साथ चयन करना है, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस लेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस, ये देखिए कंट्रोल में कॉलम्स, और जब शिफ्ट प्लस स्पेस करोगे तो ये आपके सभी रो के लिए होता है, सभी रोस का चयन करना है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस इंटर करोगे तो आपके नए वर्कशीट ऐड करना है, ठीक है, नए वर्कशीट आपका इंसर्ट करना है या ऐड करना है, तो इसके लिए आपका देखोगे ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस इंटर करना है, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस 9 देखोगे तो किसी वर्कशीट को हाइड करना है, किसी वर्कशीट को हाइड करना है, छिपाना है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस 9। और याद रखिएगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए मतलब सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, इसके लिए कंट्रोल प्लस ए यूज होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपके एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज को देखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और आपके शॉर्टकट कीज हैं जिसको आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के रूप में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे एमएस एक्सेल में फंक्शन की के रूप में कौन शामिल है, इसको देखना है। तो सबसे पहला आप स्टेटमेंट अलग अलग है, स्टेटिस्टिकल, डाटाबेस, मैथ एंड ट्राइग्नोमेट्री, कंपेटिबिलिटी, वेब और क्यू। देखिए चैट हो दिया है, इसमें से कौन नहीं है, कौन है, ये आपको जानना है। तो इसमें कौन है ये पूछा गया है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6 और ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो देखिए इसमें से सभी हैं, जैसा कि अभी मैं बताया हूं, यहां पर आप देखोगे तो सभी है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एमएस एक्सेल में कोई भी डाटा एंट्री के समय कहां पर लिखा जाता है, कोई भी डाटा एंट्री के समय कहां पर लिखा जाता है, तो याद रखिएगा वर्कशीट में बने सेल में, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सेल में, ठीक। ये वर्कशीट बनता है और वर्कशीट में कितने आपके अलग अलग सेल हैं और इसी सेल में क्या लिखा जाता है, डेटा को इंटर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट ऑफ एप्लीकेशन आता है, याद रखिएगा। तो जब भी स्प्रेडशीट की बात किया जाए एमएस एक्सेल ही आएगा, याद रखना, स्प्रेडशीट की बात करें तो एमएस एक्सेल ही आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नवीनतम संस्करण कौन सा है, बताइए, इसको बताया हूं मैं अभी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफिस 2019, ऑफिस सूट 2019, ऑफिस 364, ऑफिस 2016, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑफिस 2019, क्योंकि ऑफिस सूट के बारे में भी बात किए हैं लेकिन 2019 नहीं बताया हूं मैं, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एमएस एक्सेल में फार्मूला लिखने का सही प्रारूप कौन सा है, अभी जस्ट देखें हम लोग, ठीक है। स्टार्ट कहां से होता है, तो इक्वल टू से होता है, ठीक, इक्वल टू सब में है। इसके बाद देखोगे तो जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बारे में जान लिखना है, तो देखिए इसमें नहीं दिया गया है, ये कट हो गया, ठीक। इसमें एस डब्ल्यू एम लिखा है, एस यू एम सम करना जोड़ना, तो ये भी कट हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ होता नहीं है, ठीक। अब ये दोनों में से देखिए, तो ये इक्वल टू सम, फिर A1 से A9 तक को जोड़ना है, सेल A1 से सेल A9 तक को जोड़ना है, यही बता रहे हैं। इसमें आपका घटाना है, तो यहां पर माइनस कर दिया है, यहां पर सम कर दिया है, जो कि होता नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, ओके, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे कोको के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक, थैंक यू।